तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात की थी, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों हमने दो केसेस देखे थे जहाँ पे दो प्लेट्स के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, और अगर इसके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और यहाँ पे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो इसका जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट डी, जहाँ पे ए क्या होता है, ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया होता है। यहाँ पे तो ये टू डायमेंशनल में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में जो प्लेट्स हैं दोस्तों, ये प्लेट्स ऐसी हैं, ये प्लेट और ये जो प्लेट है ये एक्चुअली ऐसे प्लेट्स हैं, तो इनका जो एरिया है ये एरिया यहाँ पे होगा। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, ये दो प्लेट्स के बीच जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, और डी क्या होता है दोस्तों, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस ये फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये दो प्लेट के बीच अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो दोस्तों ये दो प्लेट के बीच आप यहाँ पे देखिए एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हो, ये डिस्टेंस जो है ये दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने रखा हुआ है इसके बीच उसकी जो थिकनेस है, एज्यूम करते हैं वो थिकनेस जो है वो टी है, ये जो थिकनेस है वो टी थिकनेस है, ओके। तो टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये दो प्लेट के बीच में रखने से दोस्तों इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस दिस टी बाय के, और के क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। टी मतलब इसकी थिकनेस, डी मतलब ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ए मतलब एरिया। अब दोस्तों ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया, ये दो प्लेट्स हैं एज्यूम करते हैं, देखिए ये दो प्लेट्स और ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रखा है उसका भी एरिया सेम ही होगा, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो इसका भी जो एरिया है ना वो सेम ही है। थ्री डायमेंशनल में अगर ये डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी, ये जो एरिया है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का एरिया और प्लेट का एरिया सेम ही है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसकी थिकनेस टी है, ये इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक केस देखी थी जहाँ पे हमने क्या किया था कि देखिए ये जो दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स के बीच अगर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर फील करोगे इसके अंदर, देखिए ये पूरा का पूरा जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर इसके अंदर आप फील करोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, वो डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, ए एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम है दोनों का, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी बराबर डी है, तो यहाँ पे डी माइनस डी क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, डी माइनस डी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टी के जगह पर आप डी पुट कर सकते हो, सो डी डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे के, ठीक है। तो ये देखिए के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं, तो ये नया जो कैपेसिटेंस है वो आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये नया फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो ये दो प्लेट के बीच अगर आप पूरा के पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हो, फिल कर देते हो, तो उसका जो कैपेसिटेंस है दोस्तों वो क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये दो प्लेट के बीच जब दोस्तों यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो उसका कैपेसिटेंस इतना था, एज्यूम करते हैं वो सी नॉट था, जब ये एक स्पेस पूरा के पूरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दिया जाएगा तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे हम सी नॉट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो के गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे के इंटू सी नॉट, यहाँ पे आप सी नॉट पुट कर सकते हो ना इसकी जगह पर, तो वो के गुना बढ़ जाएगा, नया जो कैपेसिटेंस है, ये जो नया कैपेसिटेंस है वो इससे के गुना बढ़ जाएगा, व्हाट इज के, ये इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दिस मटेरियल, ओके। तो ये तो हमने केस नंबर वन देखी थी, अब देखते हैं दोस्तों केस नंबर टू। अब केस नंबर टू क्या है देखिए दोस्तों, इफ़ एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ एरिया ए आर केप्ड बिटवीन द प्लेट्स इन सीरीज, यहाँ पे क्या होगा, इन सीरीज, मतलब ये जो दो प्लेट्स हैं इसके बीच दोस्तों अब एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आपको रखने, मतलब देखिए इसका एरिया ए है, ये प्लेट का एरिया ए है, तो यहाँ पे एक स्लैब हमने रखा, देखिए ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी वन है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है, ऐसा ही दूसरा स्लैब यहाँ पे रखा हमने दोस्तों, देखिए ये दूसरा स्लैब रख दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू है, थिकनेस टी टू है। ऐसे दोस्तों हमने सीरीज़ में यहाँ पे अगर एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रख दिए, कम्प्लीटली फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक सेल्स को, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स मतलब अलग अलग मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एन है और यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो टी एन है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो जब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्लेट के बीच सिर्फ दोस्तों यहाँ पे एक स्लैब था, तो फॉर्मूला क्या था इसका, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस डी प्लस टी बाय के। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन हमें करना होगा, ठीक है। तो एरिया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया प्लेट का और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया सेम है, तो यहाँ पे ये ए होगा, ये जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एरिया सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, ए
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टी है, यहाँ पे टी क्यों है, क्योंकि एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। अब यहाँ पे एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन प्लस क्या हो जाएगा टी एन, ठीक है। टी की जगह पर आप ये सारे को, ये सारे के सारे जो है इसको ऐड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, प्लस टी बाई के है ना, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था तो टी बाई के था, यहाँ पे एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए टी वन बाय के वन हो जाएगा प्लस टी टू बाय के टू इन दिस वे सो ऑन टी एन बाय के एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन प्लस टी एन, ये किसके बराबर आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये डी के बराबर आ रही है, तो इसकी जगह पर आप यहाँ पे डी पुट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे डी पुट करोगे तो डी माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस सो ऑन टी एन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे के एन, ये कैपेसिटेंस होगा। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है दोस्तों, अगर यहाँ पर एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ किए जाएंगे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे तीन स्लैब होंगे तो यहाँ पे टी वन टी टू टी थ्री दिखेगा सिर्फ आपको, यहाँ पे दो स्लैब होंगे तो टी वन और टी टू दिखेगा, चार होंगे तो यहाँ पे चार टर्म्स दिखेंगी, ठीक है। तो अब देखिए एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स जिसका एरिया ए है, अगर ये दो प्लेट्स के बीच सीरीज में रख दिया जाए तो उसका जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ये होगी दोस्तों यहाँ पे केस नंबर टू। अब देखते हैं केस नंबर थ्री। अब केस नंबर थ्री क्या है देखिए दोस्तों, इफ़ एन नंबर ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ एरिया ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन आर केप्ट बिटवीन द प्लेट्स इन पैरल, तो ये जो दो प्लेट्स हैं, एज्यूम करते हैं ये दो प्लेट्स का एरिया ए, ओके, टू डायमेंशन में तो ये ऐसे दिख रहे हैं, थ्री डायमेंशन में ऐसे दिखेंगे ये प्लेट्स, एक प्लेट ऐसे दिखेगी आपको ये, ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी प्लेट है वो आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी, ठीक है। इनका ये जो एरिया है वो एरिया ए है। अब दोस्तों ये दो प्लेट के बीच आपको n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखने हैं जिसका, जिनका एरिया a1 a2 ऐसे है और ये पैरेलल में रखे गए हैं। पैरेलल में मतलब देखिए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस प्रकार से रखा गया है, इसका एरिया जो है वो a1 होगा, टू डायमेंशन में ऐसे दिखेगा, थ्री डायमेंशन में ये ऐसे दिखेगा, देखिए ये थ्री डायमेंशन में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये एरिया a1 है इसका, ऐसे दोस्तों एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स यहाँ पे रखे गए हैं जो कि पैरेलल में है। ये दूसरा स्लैब है जिसका एरिया A2 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसकी थिकनेस जो है वो थिकनेस कितनी है, देखिए ये थिकनेस D के बराबर है, D और T सेम है, इसका भी वैसे ही है, D और T सेम है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये नीचे दिखेंगे, ऐसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ये लास्ट वाला जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट kn है, और ये जो एरिया है को एरिया एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे ए एन है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना मुश्किल है, ओके। तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस कैपेसिटर को हम यहाँ से तोड़ देंगे, देखिए हम इसको, इस प्लेट को यहाँ से कट करेंगे, ये जो प्लेट्स हैं इनको हम यहाँ से कट करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये अलग अलग कैपेसिटर्स हैं जिनके बीच अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, ठीक है, और जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने ये जो कैपेसिटर है पहले यहाँ से कट किया तो हमें एक कैपेसिटर मिल जाएगा, जो कैपेसिटर हमें मिलेगा उसकी प्लेट्स ऐसी दिखेंगी, ये प्लेट्स जिनका एरिया A1 है और जिसके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसके बीच जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कैपेसिटर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे कट करने से ये आपको दूसरा कैपेसिटर मिल जाएगा जिसका एरिया, प्लेट्स का एरिया भी A2 है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका एरिया भी A2 है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे K2। इस प्रकार से दोस्तों एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपको मिल जाएंगे। ये लास्ट वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट वाला कैपेसिटर है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसका एरिया An है, जिसका जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो kn है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से कट कर दिया और हमें यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मिल गए हैं अब, ओके। अब दोस्तों अगर ये एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में इसका जो टोटल कैपेसिटेंस निकलेगा, ये सारे का जो टोटल कैपेसिटेंस निकलेगा पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे CN, इन सारे का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस CN, ओके, ये होगा इतना। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ना आपको दोस्तों, इनका जो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा वो टोटल कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालना मुश्किल था, लेकिन ये सारे जो पैरेलल में कनेक्टेड कैपेसिटर्स है इनका कैपेसिटेंस निकालना आसान है। क्या करना होगा आपको, इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना होगा, इसका इंडिविजुअल, इसे आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितना होगा, देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ये थिकनेस कितनी है, डी के बराबर है, एरिया ए वन है,
कॉन्स्टेंट के वन है, ठीक है, और कम्प्लीटली फिल है। तो कम्प्लीटली फिल के लिए जो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है ना, ये कम्प्लीटली अगर फिल होगा यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, एरिया सॉरी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन, सो के वन एरिया ए वन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे डी। तो इसका कैपेसिटेंस हमें यहाँ पे मिल चुका है, प्लस इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, देखिए ए टू एरिया ए टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी प्लस सो ऑन, क्या होगा दोस्तों इसका कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, के एन ए एन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर सारे के सारे आप जोड़ देते हो तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलने वाला है, देखिए दोस्तों एप्सिलॉन नॉट और डी कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस सो ऑन, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए के एन ए एन। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, ये फॉर्मूला आपको इसके टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रहा है। इसका टोटल कैपेसिटेंस मतलब क्या बोल सकते हो आप, इसका कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल चुका है दोस्तों। मतलब क्या है कि अगर एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं जिनका एरिया ए वन ए टू इस प्रकार से है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा। और अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो सीरीज़ के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आपको, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सीरीज़ में अगर स्लैब्स कनेक्टेड हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों इन कंसेप्ट के ऊपर अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 8.17, एग्जांपल नंबर 8.17 पेज नंबर 209 के ऊपर। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है, देखिए अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 mm। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लेते हैं ये वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का प्लेट सेपरेशन कितना है, 2 mm है। 2 mm मतलब क्या होगा दोस्तों, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और ये जो एरिया है प्लेट का, वो एरिया आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो एरिया कितना है देखिए दोस्तों, 4 cm² है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, हम 1 cm का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²² से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैपेसिटर का हमें दोस्तों यहाँ पे देखिए एरिया पता चल चुका है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस पता चल चुका है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, तो आपको यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस पता करना है। तो जब कोई डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होता है दोस्तों, तब उसका जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी होती है दोस्तों, वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻½ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, आपको एग्जाम में दी जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको ए पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है और डी पता है, तो ये वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, आपको चेक करना है ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो ये आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए 1.77 × 10⁻²² फैराड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो हमें पता है फैराड होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वॉट इज इट्स कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड कंप्लीटली विद अ डायलेक्ट्रिक हैविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वैल्यू 6.7, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये दो प्लेट के बीच अगर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कंप्लीटली फिल डायलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली अगर फिल किया जाएगा, डायलेक्ट्रिक मटेरियल है यहाँ पर जिसकी कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.7 है, तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसका जो नया कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख चुके हैं। देखिए अगर दो प्लेट के बीच जो स्पेस है वो अगर कम्प्लीटली हम यहाँ पे फिल करते हैं तो उसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। और ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी क्या होता है, ये पुराना कैपेसिटेंस, उसको हम सी नॉट बोलते हैं। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो सी इज इक्वल टू के इंटू पुराना कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुराना कैपेसिटेंस है उसको हम सी नॉट बोलते हैं, और जो नया कैपेसिटेंस होगा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने के बाद वो क्या होगा, के इंटू सी नॉट। तो अननेसेसरी ये फॉर्मूला यूज़ करके दोस्तों टाइम खराब नहीं करना है, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, अगेन आपको ये कैलकुलेशंस करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप के सी नॉट यूज़ कर सकते हो, सी नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो। तो के की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 6.7, तो ये जो आंसर आ रहा है उसको अगर 6.7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और ये फाइनल आंसर आपको चेक करना है ये इतना आ रहा है कि नहीं, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर जो है 7.9 × 10⁻²² ऐसे दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, ओके। तो ये फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों यहाँ पे 8.18
एग्जाम्पल क्या लिखे दोस्तों, इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराइड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं ये वो कैपेसिटर है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए यहाँ पर 2 mm है, ये जो डिस्टेंस है वो 2 mm है। 2 mm मतलब क्या, 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, और इसका जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो कितनी है, 20 माइक्रोफेराइड। माइक्रोफेराइड मतलब क्या होता है, 20 × 10⁻⁶ फैराड होगा ये। माइक्रोफेराइड का फैराड में कन्वर्जन करते वक्त आपको यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, अब आगे पढ़िए दोस्तों, इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ, यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट करते हो जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस पी इज इक्वल टू 1 mm है। ओके, और जिसका कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट कितना है, 2 है, जिसके कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, ये अगर स्लैब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो जब दोस्तों यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तब कैपेसिटेंस कितना था, 20 माइक्रोफेरेड था, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता फिर, अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला क्या होता, सी विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, क्या होता दोस्तों यहाँ पे डी होता ना, ये फॉर्मूला होता। अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं होता तो ये फॉर्मूला होता ना, उसको हम सी नॉट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी नॉट बोलते हैं। ओके, अब जब दोस्तों यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस 1 mm है, 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ मीटर है, ठीक है, ये स्लैब अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो तो इसका नया जो कैपेसिटेंस आ रहा है उसको हम सी बोलेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर दो प्लेट के बीच हम टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये नया फॉर्मूला जो होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी माइनस टी प्लस क्या होगा, टी बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें यहाँ पे दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये सी की वैल्यू हमें पता करनी है। उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, सी डिवाइडेड बाई सी नॉट, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ये ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो डी डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस डी बाय के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको डी की वैल्यू पता है, ये डी की वैल्यू पता है आपको, टी की वैल्यू पता है, यहाँ पर टी की वैल्यू पता है आपको, के की वैल्यू पता है, ठीक है, और सी नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे पता है। तो यहाँ से दोस्तों आराम से आप ये सी की वैल्यू पता कर सकते हो। देयरफॉर सी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी नॉट, ये उधर जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो सी नॉट इंटू दिस टर्म डी डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ पे अगर ये सारी की सारी जो नोन वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो ये नया जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, चेक करिए कि ये आंसर जो है नया कैपेसिटेंस का, ये आंसर 26.6 माइक्रोफेराड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल खत्म होता है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12 आपके एक्सरसाइज के अंदर, देखिए पेज नंबर 213 के ऊपर एग्जांपल नंबर 12 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले रीड करें दोस्तों एग्जांपल क्या, देखिए इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स के बीच एयर है, मतलब कोई दूसरा डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे नहीं है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 2 mm। 2 mm मतलब कितना होगा दोस्तों, ये होगा 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स का जो एरिया प्रोवाइड किया गया है वो आपको कितना देखिए, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये एरिया है इन प्लेट्स का। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, जिसमें से ए आपको पता है दोस्तों, डी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। कितनी वैल्यू होती है देखिए दोस्तों इसकी, 8.85 इंटू ये 10⁻¹² होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी। अब ये सिंपली तीन वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है दोस्तों और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो एरिया कितना है, 6 × 10⁻³, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पे 8.85 × 10⁻¹² है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 × 10⁻³ है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 8.85 × 3 ये कितना होगा दोस्तों, देखिए ये 26.55 होगा, इंटू ये 10⁻¹² वैसे रहेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया, तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फेराड होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो 1 है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, या फिर बी क्या है देखिए, ये ए का आंसर था, बी क्या है, इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, वॉट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो अगर दोस्तों ये दो प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है
यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट हो जाएगा, मतलब ये अगर प्लेट्स 100 वोल्ट सप्लाई से आप कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 वोल्ट हो जाएगा ना। और यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो ये चार्ज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट के सोर्स को आप इससे कनेक्ट करते हो तो चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है और ये कैपेसिटेंस जो है, इनके बीच का रिलेशन हमें पता है, सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से दोस्तों क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू वी। ओके, सो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं हम, ये देखिए 26.55 इंटू 10^-12। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दो प्लेट के बीच कितना होगा, 100 वोल्ट होगा इंटू 100। 100 मतलब क्या होता है दोस्तों, 10^2 बोल सकते हैं हम, ठीक है। 100 मतलब क्या, 10^2, 10^-12 इंटू 10^2 क्या हो जाएगा, -12 + 2, मतलब -10 हो जाएगा। सो 26.55 इंटू 10^2 क्या होगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। ये क्या मिला है दोस्तों हमें, ये चार्ज मिला है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये हो गया दोस्तों ये दूसरा आंसर, ठीक है। ओके, अब सी क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे, वॉट वुड बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ अ 2 mm थिक माइका शीट ऑफ के इज इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। मतलब अब ये दो प्लेट्स जो थे ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो दो प्लेट्स थे जिनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2 mm था। अब इसके अंदर 2 mm थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे रखा गया है, माइका शीट रखी गई है। माइका एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इसका 6। ओके, और इसकी थिकनेस भी क्या है यहाँ पे, 2 mm है। तो ये डी और टी जो है सेम है, कितना है, 2 × 10^-3 मीटर है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा ये आपको पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच जो है वो कितना है, 100 वोल्ट है, वी चेंज नहीं किया हुआ है। तो वी हमें पता है दोस्तों, अगर किसी तरीके से इस नए कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस निकाल पाओ तो आपको चार्ज आराम से पता चल जाएगा ये फॉर्मूले का यूज़ करके। तो जो नया कैपेसिटेंस है उसको सी डैश बोलेंगे या फिर सी भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली फिल किया गया है ना। तो अगर कम्प्लीटली फिल करते हैं तो पहले से के गुना उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। पहले कितना था, पहले कैपेसिटेंस उसका था इतना, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे नहीं था तो कैपेसिटेंस इतना था। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, दिस के इंटू दिस वैल्यू, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो दिस 6 × 26.55 × 10^-12, तो ये दोस्तों कैपेसिटेंस मिल चुका है। अब चार्ज क्या होगा फिर, ये कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होगा दोस्तों, सी डैश इज इक्वल टू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। तो क्यू विल बी इक्वल टू वॉट, सी डैश इंटू वी। तो ये वैल्यू को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू है ये 6 × 26.55 × 10^-12, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 मतलब क्या, 10^2, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 26.55 × 6 कितना होता है, ये होता है देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 159.3 होगा। ओके, और ये 10^-12 × 10^2 कितना होगा, ये होगा 10^-10 होगा। और क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए चार्ज फाइंड आउट किया, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सब क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू गिवन द एरिया ऑफ ईच प्लेट ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू डी। तो यहाँ पे दो डायग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, जिसमें से पहली डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, देखिए दोस्तों ये प्लेट यहाँ पे है, एज्यूम करते हैं ये पॉइंट पी है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये दूसरी प्लेट है, ये प्लेट क्यू एज्यूम करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ऐसे ये पॉइंट पी, और यहाँ पे ये क्यू ऐसे दिखाया गया है। एज्यूम करते हैं ये प्लेट पी है और ये प्लेट क्यू है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये प्लेट का जो एरिया है वो ए एरिया है, इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, ठीक है। और सेपरेशन कितना है, ये दो के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है दोस्तों यहाँ पे डी। अब इसके अंदर क्या है, देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखे गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों पहला स्लैब जो यहाँ पे रखा गया है वो कुछ इस प्रकार का है, ये पहला स्लैब है, ठीक है, जिसका डाई जिसका एरिया भी सेम होगा। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है सेम है, एरिया ए है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K1 = 1। दूसरा स्लैब दोस्तों यहाँ पे रखा गया है, ये दूसरा स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 2 है। ओके, और ये इसकी थिकनेस D/3 है, इसकी थिकनेस भी D/3 है। ओके, और ये तीसरा जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो यहाँ पे रखा गया है, और इसकी थिकनेस भी दोस्तों D/3 है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 3 है, ये जो वैल्यू है ये 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें दोस्तों ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब क्या कि हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। ये प्लेट पी और ये प्लेट क्यू के बीच का हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये तो अभी वर्टिकल डायग्राम है, हमने हॉरिजॉन्टल डायग्राम निकाली थी। तो अगर इस डायग्राम को आप हॉरिजॉन्टली दिखाओगे तो ये प्लेट एज्यूम करते, देखिए ये एक प्लेट है यहाँ पर, ये दूसरी प्लेट है, और ये दो प्लेट के बीच ये जो तीन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं
ये कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। ये पहला है यहाँ पर देखिए, ये जो है ये दूसरा है, और ये जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे ये तीसरा है। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और यहाँ पे ये डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस रखे गए हैं। इसकी वैल्यू जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे के वन इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू कितनी है, के टू इज इक्वल टू टू थ्री है सॉरी, और यहाँ पे दोस्तों देखिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, ये के थ्री इज इक्वल टू सिक्स है। अब आपको ये दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस दोस्तों यहाँ पे जो है ये सीरीज में रखे गए हैं। इनकी थिकनेस क्या है देखिए, डी बाई थ्री, इसकी थिकनेस डी बाई थ्री, इसकी थिकनेस भी डी बाई थ्री है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्शन दोस्तों देखिए यहाँ पे, अगर ये सीरीज कनेक्शन है, तो इनके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो ये फॉर्मूले से निकलेगा, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखिए इसका एरिया हर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का सेम है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों देखिए यहाँ पे, टी वन अपॉन के वन, टी वन अपॉन के वन, टी वन कितना है डी बाई थ्री, ओके, अपॉन के वन कितना है यहाँ पे वन, प्लस टी टू अपॉन के टू। ये फॉर्मूला क्या है देखिए, टी टू अपॉन के टू प्लस टी एन अपॉन के एन, ठीक है। मतलब टी टू अपॉन के टू मतलब क्या होगा देखिए यहाँ पे दोस्तों, डी बाई थ्री डिवाइडेड बाई दिस थ्री, प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री, डी बाई थ्री अपॉन दिस के थ्री क्या है, सिक्स है। अब ये तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर सिक्स आ जाएगा, नीचे सिक्स आ जाएगा, ठीक है। ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएंगे तो हम उनके न्यूमरेटर के एडिशन कर सकते हैं। तो सी विल बी इक्वल टू वॉट, ये ए एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे सिक्स, और न्यूमरेटर की हो जाएगी एडिशन। तो सिक्स डी बाई थ्री प्लस टू डी बाई थ्री प्लस वन डी बाई थ्री, सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन डी बाई थ्री हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, यहाँ पे थ्री डी डिवाइडेड बाई सिक्स, अब थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, ओके। ये टू डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है आपको मिलेगी यहाँ पे ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है, वो कितना है देखिए दोस्तों, ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी डायग्राम। तो ये जो दूसरी डायग्राम है वहाँ पर देखिए दोस्तों, पी प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट प्रोवाइड की गई है आपको, ये पी पॉइंट इसको बोला गया है, ये दूसरी प्लेट है, और ये दो प्लेट का जो एरिया है वो ए है, इसका एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया भी ए है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, ये तीन डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस है, जिसमें से देखिए यहाँ पे एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये कुछ इस प्रकार से रखा गया है, ये एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो फोर प्रोवाइड किया गया है, और इसका जो एरिया है, अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया इसका है ए बाई टू। थिकनेस कितनी है देखिए, इसकी थिकनेस जो है वो डी के बराबर है, ये डिस्टेंस डी है, तो इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस भी क्या है देखिए दोस्तों, डी के बराबर है। यहाँ पर ये जो थिकनेस है यहाँ पर, ये थिकनेस भी डी के बराबर है, इस डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेस डी के बराबर है, इसका एरिया ए बाई टू है। और यहाँ पे दोस्तों दो अलग अलग डायलैक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं, एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस कुछ इस प्रकार से रखा गया देखिए, ये जिसकी थिकनेस यहाँ पर कितनी है, ये थिकनेस जो है ये इसकी थिकनेस, इसको हम ए टी वन बोलेंगे, इसको हम टी टू बोलेंगे, टी टू कितनी है डी बाई टू, इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है थ्री है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया है, ओके, और ये इसका जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो सिक्स है, और इसकी जो थिकनेस है वो डी बाई टू है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको समझना होगा दोस्तों कि ये जो दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं ये सीरीज़ में रखे गए हैं, ये दो सीरीज़ में हैं, और ये दोनों के साथ ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, सी इज इक्वल टू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे दोस्तों इनका एरिया कितना है देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है इनका, ये दोनों का जो एरिया है वो कितना है, ए बाई टू है, ए बाई टू, मतलब तीनों का भी एरिया जो है ए बाई टू है। यहाँ पे ये प्लेट का एरिया ए है, ये सब्सटेंस का एरिया ए बाई टू, ये सब्सटेंस का एरिया ए बाई टू, ये सब्सटेंस का एरिया भी ए बाई टू है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो एरिया आपको क्या लेना होगा, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू। अब टी वन कितना है देखिए, इसका कितना है दोस्तों, डी बाई टू, ये वन और ये टू कंसिडर करेंगे ना, इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये वन है ये टू है, तो दिस डिवाइडेड बाई के, मतलब डी बाई टू डिवाइडेड बाई के प्लस दिस डी बाई टू डिवाइडेड बाई के कितना है यहाँ पे, सिक्स है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिक्स आने के लिए इसको हम ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, ये ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स है, तो ये डिनोमिनेटर में सिक्स आ जाएगा, न्यूमिरेटर की एडिशन हो जाएगी, टू डी बाई टू प्लस वन डी बाई टू थ्री डी बाई टू। तो दोस्तों देखिए ये थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, इससे डिवाइड कर रहे हो मतलब इसके इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको देखिए यहाँ पे ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे लिख के लिए मैंने, ओके इनटू इसके इनवर्स से मतलब टू डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू न्यूमरेटर में चला जाएगा और आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, ये टू न्यूमरेटर में जाने के बाद टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे मिल चुका है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसका है, ये दोनों का यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल चुका है, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, ये जो है इसका कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे, तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यहाँ पे पेपर रख देता हूँ मैं ताकि आपको ये आसान लगे। तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्लेट का एरिया ए बाई टू है, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एरिया भी ए बाई टू है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए दोस्तों अगर दो प्लेट के बीच कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या होगा, के वन ए, ए मतलब कितना ए बाई टू, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से क्या होगा दोस्तों, इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे के वन की वैल्यू फोर है, ये हो जाएगा फोर इंटू दिस ए बाई टू इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, तो ये टू टू जो फोर हो जाएगा, और इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखिए कितनी मिल रही है, टू ए दिस टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, तो इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इतनी है, और ये जो पार्ट है इस पार्ट का कैपेसिटेंस भी इतना है, ठीक है। ये पार्ट का कैपेसिटेंस इतना है और इस पार्ट का कैपेसिटेंस इतना है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर दो पैरेलल कनेक्शन होगा, दो पार्ट के बीच पैरेलल कनेक्शन होगा, तो इन दोनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस सारा का सारा जो ये पार्ट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये प्लस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए दोस्तों, टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी प्लस यहाँ पे भी दोस्तों टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी है, ठीक है। डी डिनोमिनेटर में दोस्तों यहाँ पे कॉमन है तो न्यूमिनेटर की एडिशन हो जाएगी, तो ये फोर टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस टू ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, फोर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, डी। तो ये जो यहाँ पे पार्ट दिखाया गया है दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर हमें मिल चुका है, फोर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी है, ठीक है। अब दोस्तों इस चैप्टर में एक ही पार्ट बचा हुआ है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।